पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी यातायात जीपी सिंह, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय तथा उप निरीक्षक मुख्य आरक्षी, आरक्षी यातायात मौजूद रहे, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात एमपी सिंह ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में होने वाले खिचड़ी मेला को कुशल और सुगम संपन्न कराने के लिए यातायात पुलिस के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में सभी को निर्देशित किया गया है कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार रखते हुए अपनी ड्यूटी करें। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान सभी जवान मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे, सभी लोग बूस्टर डोज का टीका भी अवश्य लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात एम पी सिंह ने कहा, आप लोग मेरा चेहरा पहचान लें, मैं आपका चेहरा पहचान लूं। अभी पिछले सोमवार को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, ये पूरी टीम का काम है। इस काम को अकेले मैं नहीं कर सकता, टीआई नहीं कर सकते, सीओ साहब नहीं कर सकते, आप लोग हमारी भीड़ हैं। आप लोग जितना तल्लीनता से और संवेदनशीलता से कार्य करेंगे, उतनी अच्छी व्यवस्था हम शहर को दे पाएंगे। और गोरखपुर शहर को अच्छी व्यवस्था देना हमारी प्राथमिकता है, गोरखपुर शहर को अच्छी व्यवस्था देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में, जैसे कि कल से ही खिचड़ी मेला प्रारंभ हो रहा है, खिचड़ी मेला के दौरान जिस बैरियर पर जिसकी ड्यूटी लगी है, वहां पर संपादित करके गाड़ियों का जागरण कराएंगे, पार्किंग में बाहर पार्क कराएंगे। बहुत ही सौम्य और मधुर भाषा में बात करनी है, मधुर व्यवहार करना है, हमको एब्सर्ड लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कम से कम गाड़ी पार्किंग करें पार्किंग में। अगर ड्राइवर में लगी है तो हमारा उद्देश्य है ड्राइवर चले, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपमानित करना, उससे कड़ी भाषा, अच्छा कार्य करना है। वैसे भी ट्रैफिक पोस्ट करने वाले, ट्रैफिक पुलिस में नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पहले से ही उनका कार्य आचरण और मेंटेन रखे हैं, तो सभी के साथ बढ़िया और मदद व्यवहार किया जाएगा। कल से गुरु गोरखनाथ मंदिर इस पावन स्थली पर 3 दिवसीय खिचड़ी मेला प्रारंभ हो रहा है। इसमें बिहार, पूर्वांचल एवं नेपाल से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए आवागमन में कोई परेशानी ना हो, नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, उनके लिए बेहतर और सुगम यातायात व्यवस्था दी जा सके, इस संबंध में सभी कर्मचारियों के लिए उनके ड्यूटी पॉइंट के बारे में बताया गया कि बैरियर कहाँ कहाँ बैरियर रहेंगे, कहाँ कहाँ से डायवर्जन रहेगा, बैरियर और डायवर्जन पे उनकी क्या ड्यूटी रहेगी, और सभी को बताया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं से, आम नागरिकों से सभी से बढ़िया और मधुर व्यवहार करें और ट्रैफिक व्यवस्था को, अपने कार्य को सख्ती के साथ करें, परंतु व्यवहार विनम्रता का रखें। नागरिकों का इस व्यवस्था को बनाए रहने में सहयोग लें और मेले के लिए साकुशल संपन्न कराएं और सभी के साथ अच्छा और मधुर व्यवहार रखें।